नमस्कार दोस्तों, थंबनेल में जैसा कि आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पिछले दो दिनों में एक आरपीसी सदस्य नियुक्त किया गया है, जिसको दो दिन पहले राजस्थान का कोई भी युवा जानता तक नहीं था। मकराना विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद के लिए चुनाव की तैयारी पूर्ण कर चुके कर्नल रिटायर्ड केसरी सिंह राठौड़, जिनको कि अभी दो दिन पहले ही आरपीएससी का सदस्य नियुक्त किया जाता है। आरपीएससी सदस्य नियुक्त करने के बाद और पहले अगर हम सदस्य का मूल्यांकन करते हैं तो आपको देखकर ही बहुत ज़्यादा अचंभा होगा कि जिस व्यक्ति को आरपीएससी सदस्य बनाया गया है, उस व्यक्ति की विचारधारा, उस व्यक्ति का बैकग्राउंड, वो किन लोगों को सपोर्ट करता है। अगर ये चीज़ें आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये खालिस्तानी से कम नहीं है। ये किसी खालिस्तानी विचारधारा या जिसे कह सकते हो अपने समाज को अलग रखना और दूसरे समाजों को नीचा समझना, दूसरे समाजों को झुकाने का प्रयास करने वाला इमेज ये रखता है कर्नल केसरी सिंह राठौड़, जिसको कि कांग्रेस सरकार ने अशोक गहलोत ने राजनीतिक फायदे के लिए अपना वोट बैंक बचाने के लिए मकराना विधानसभा क्षेत्र से अपनी सीट निकालने के इनको आरपीसी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने दो दिन से इसका लगातार विरोध करे, 5 लाख से अधिक ट्वीट किए जा चुके हैं इनके विरोध में। आप इनके अगर ट्वीट्स भी देखेंगे, मैं कल से इनके ट्वीट्स देख रहा हूँ, पिछले महीने ट्वीट देख रहा हूँ, इसका अकाउंट भी इसने अभी डीएक्टिवेट कर दिया है। इसमें आनंदपाल सिंह सांवराद जैसे आतंकवादी, जैसे कुख्यात अपराधी को सपोर्ट ये करता था, उसके लिए रक्तदान महाकुंभ जैसे शिविर का आयोजन करवाता था। आनंदपाल सिंह जो कि कितना बड़ा राजस्थान भारत का कुख्यात अपराधी था, उसको एनकाउंटर में मारा गया था, उसको ये शहीद का दर्जा दिलवाना चाहता है। ऐसे समाज के दल्ले जो कि अगर आरपीएससी में सदस्य बनते हैं तो राजस्थान के युवाओं का भविष्य आप सोच सकते हो। 35 कौम का ये नाम लेता था, अपने जहाँ भी इसने भाषण दिया है उसने आज तक 35 कौम का ही नाम लिया है। अलग ये कौम को रखता था खुद की को, और जो 35 कौम में निचली उनको ये समझता था, उनको ये दबा कर रखना चाहता था और वो अपने समाज को सर्वोच्च लाना चाहता था। और उसको ये अवसर मिला, उसको पता था कि मकराना विधानसभा क्षेत्र से मैं कभी भी विधायक नहीं बन सकता। इसके लिए कांग्रेस सरकार ने इसको आरपीसी सदस्य नियुक्त किया है। आरपीएससी सदस्य नियुक्त करने के बाद से अब तक 5 लाख से अधिक, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि 5 लाख से अधिक इसके विरोध में ट्वीट हो चुके हैं। उसके बाद इसने ट्वीट किया कि मुझे ये संवैधानिक पद का दर्जा मिल रहा है, संवैधानिक पद मिल रहा है, तो जो भी मेरे ट्वीट थे, जो भी वीडियोस थे, उसको आप अन्यथा ना लें। ये इसका ट्वीट आता है। उसके बाद से इसके जितने भी ट्वीट से बहुत ज़्यादा वायरल हो जाते हैं, जो भी इसकी विचारधारा थी वो समग्र समाज में, समग्र राजस्थान में फैल जाती है और राजस्थान के युवाओं को पता चल जाता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। आपको बता दें, रामूराम राय का जो कि देवासी समाज से बिलोंग करता है, हाल ही में उसका भी एक इंटरव्यू, एक वायरल हुआ था वीडियो कि वो जिसमें साफ साफ बोल रहा था कि मैंने अपने कार्यकाल में जुलाई 2022 में रामूराम राय का रिटायर्ड हुआ था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि किसी भी राजनीतिक दल का ये अंतिम चुनावी साल है, आपको ये चुनावी साल है, अंतिम ये वर्ष, अंतिम ये अब दिन बचे, आचार संहिता लागू हो चुकी है। इन दिनों में ये क्या करती है कि जो आरपीसी के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल होता है या जब तक कि उनकी उम्र 62 नहीं हो जाती है, ये इनका कार्यकाल रहता है। तो इन्होंने जैसे 8 सदस्य तो पहले नियुक्त कर दिए थे, मेरा आपने लास्ट में वीडियो भी देखा होगा, डार्क सीक्रेट ऑफ आरपीसी सदस्यों की नियुक्ति, उसमें भी मैंने बताया कि कैसे 8 सदस्य इन्होंने नियुक्त किए। और उन 8 सदस्यों का आप बैकग्राउंड देखोगे ना तो वो किसी न किसी तरीके से कांग्रेस की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। चलो मान लिया सत्तादल है, सत्तादल अपने हिसाब से, अपने मानस के अकॉर्डिंग इन सदस्यों को नियुक्त करेगा। लेकिन अभी जो 3 सदस्य नियुक्त किए गए उनमें जैसे आपने पहले भी देखा होगा रामूराम राय का कितना ये भेदभाव करते हैं अपने समाज को लेकर, इंटरव्यू में अपने समाज को बढ़ावा देते हुए खुद बोल रहा है कि मैंने बहुत सारे अपने देवासी समाज के अभ्यर्थियों के इंटरव्यू में पास करवाए, ज्यादा अंक दिलवाए हैं। अब जैसा कि आरएस प्री हो चुका है, मेंस होने वाला है, उसके बाद इंटरव्यू आने वाले, तो उस इंटरव्यू पैनल में आपको पता है कि लिहाजा जो आरपी सदस्य वो बैठते हैं, और लिहाजा जो सदस्य बैठने वाले हैं उसमें अपने कर्नल
केसरी सिंह भी बैठेंगे। तो जो ये इनके समाज के जो भी इनके अभ्यर्थी होंगे इनका पक्ष लेंगे और जो अन्य समाज के अभ्यर्थी है उनको ये दबाने का प्रयास करेंगे। तो पूरे पैनल में इनकी चलेगी, जिसे कटारा ने किया, कटारा के बाद रामूराम रायका ने भी पहले किया, लेकिन वो रिवील नहीं हुआ। रामूराम रायका 2022 से पहले बच गया, ये दुर्भाग्य रहा। हालांकि ऐसा कोई भी आरपीसी का सदस्य नहीं है जो राजनीतिक तरीके से नियुक्त नहीं किया गया हो, और राजनीतिक जो नियुक्तियाँ होती है उसमें आपको यही देखने का मिलेगा कि वो किसी या तो राजनीतिक दल के प्रति समर्पित रहते हैं, उनके राजनीतिक दल के होते हैं, या वो कोई से भी दल हो, बीजेपी आप हो या फिर कांग्रेस हो, वो उसी दल के होकर रह जाते हैं, उसी दल के दल्ले बनकर रह जाते हैं। ये चीज आपने पहले भी देखी होगी, मैंने जो लास्ट वीडियो था डार्क सीक्रेट ऑफ आरपीएससी सदस्य की नियुक्ति, उसमें क्लियर कट आपको बताया था, सारी की सारी चीजें बताई थी कि एक या दो साल में मैंने कहा था या अभी चुनाव से पहले ही नियुक्ति कर दी जाएगी तीन और सदस्यों की। तो तीन और सदस्यों को नियुक्त किया गया है, और बार बार मैं कह रहा हूँ राजस्थान में जो ये नियुक्तियाँ हुई है तीनों की, बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। ये अपने वोट बैंक को बचाने के लिए कांग्रेस सरकार सो गहलोत आगमानी सब चीज़ें कर रहा है, तो इसका नुकसान आने वाले समय में राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को देखने को मिलेगा। और जैसा कि आपको पता है कल भी कर्मचारी चयन बोर्ड का उपेन्द्र यादव द्वारा घेराव किया गया था हम सबके द्वारा, उसमें भी जो हमारी मांगे थी वो अभी तक नहीं मानेगी, 1,00,000 भर्तियां अभी तक कहीं भी नजर नहीं आ रही, और जो भी विज्ञप्तियां पशु परिचारक कनिष्ठ लेखक की निकाली गई है इनको भी ये बहुत लंबे अरसे से अटकाएंगे, ये आप सभी को पता है। और होने वाला यही है कि आगे जो भी सरकार आती है, रिपीटेड जो भी सरकार आती है, हालांकि चांसेस जो है कि हम कांग्रेस की सरकार को वापस ना लाएं, लेकिन होने वाला वही है। अगर दूसरी सरकार भी आती है तो आरपीएससी सदस्य 8 और 3 जो भी सदस्य बचे इनको नहीं हटा सकती कोई भी सरकार, इनका कार्यकाल जब तक पूरा नहीं हो जाता। कहने को तो ये संवैधानिक पद है लेकिन इनका जो पूरा कंट्रोल होता है वो एक राजनीतिक दल के द्वारा ही किया जाता है, एक पर्टिकुलर नेता के द्वारा ही किया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे आरपीएससी सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। आप सोच सकते हो कि इनका जो बैकग्राउंड किस प्रकार का, आनंद पाल जैसे मुख्या नेताओं की सपोर्ट करते हैं, एक प्रकार से गुंडे ही हैं, तो इस प्रकार से सदस्यों की नियुक्ति का परिणाम आपको आने वाले 1-1.5 साल में मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।